दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी चोरियां। नंबर 5, ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट की 1400 करोड़ रुपए की चोरी। 1970 के दशक में बैरूत लेबनान में आतंकवादियों के एक ग्रुप ने ऐसी साहसी चोरी को अंजाम दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यासर अराफत नाम के आतंकवादी के नेतृत्व में इस ग्रुप ने ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी जो फिर से चुराई जा सके। उन्होंने पैसा, गहने, सोना ये इस तरह से लूट लिया जैसे लगे वो कभी यहाँ था ही नहीं। इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने करीब मौजूद बिल्डिंग के जरिए बैंक की बिल्डिंग में ब्लास्ट करके एक होल बनाया और उसके जरिए वो बिल्डिंग में घुस गए। इस चोरी के लिए इन आतंकवादियों ने ताला खोलने के लिए एक ताला बनाने वाले को भी हायर किया था। 2 दिन तक इन चोरों ने बैंक पर कब्जा किया हुआ था। इस दौरान वो बैंक के मेल लॉकर का भी ताला खोलने में सफल हो गए और सारा माल चुरा लिया तथा बाद में ये चोर कभी भी पकड़े नहीं जा सके। इस पूरे चोरी की बात की जाए तो आज के हिसाब से ये चोरी होती है 1402 करोड़ 49 लाख रुपए की। नंबर 4, बगदाद बैंक रॉबरी। ये चोरी एक ऐसी चोरी है जिसके बारे में जानकर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि जब सिपाही ही चोर बन जाता है तो क्या होता है। बगदाद में स्थित डार इस सलाम इस बैंक के 3 गार्ड्स ने मिलकर चोरी की। इस चोरी का हिसाब लगाया जाए तो ये चोरी 1900 करोड़ भारतीय रुपए इतनी बड़ी आंकी गई थी, जो सच में एक बेहद बड़ी चोरी थी। आश्चर्य की बात ये थी कि ये पैसे इराकी दिनार में नहीं बल्कि अमेरिकन डॉलर में थे। इन चोरों का प्लान इतना सटीक था कि किसी भी परेशानी के बिना गार्ड्स आसानी से बच निकले। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस बैंक में इतनी ज्यादा मात्रा में पैसे क्यों रखे गए थे। नंबर 3, यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी, लगुना नाइजल। 1972 में आमिल डिंसिलो नामक इंसान ने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स और 2 अलार्म एक्सपर्ट्स को लेके यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक से करीब 30 मिलियन डॉलर्स चुरा लिए। आज के हिसाब से अगर इसका भारतीय रुपए में मूल्यांकन किया जाए तो ये हो जाते हैं करीब 1100 करोड़ रुपए। ये एक सबसे परफेक्ट चोरी थी। कुछ महीने बाद पुलिस को एक ही क्लू मिल गया जब इस ग्रुप ने ओहियो शहर में कुछ इसी तरह चोरी को अंजाम दिया। इन दोनों चोरियों में काफी समानता होने के कारण पुलिस को लगा कि दोनों चोरियों में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। इसीलिए पुलिस ने जब 2 शहर में आने जाने के सारे रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि ठीक रॉबरी से पहले ये ग्रुप ने दोनों भी शहर में सफर किया है और यही वजह है जो इन्हें पकड़ पाने में पुलिस पूरी तरह से सफल रही। नंबर 2, बॉस्टन म्यूजियम रॉबरी। पता नहीं आप इस कथन से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पर 1980 में अमेरिका के बॉस्टन शहर में स्थित बॉस्टन म्यूजियम रॉबरी को कई लोग आज भी कला के नजरिए से देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका लूटने का तरीका ही कुछ ऐसा था। बॉस्टन म्यूजियम में रात को जब 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे तो ये चोर पुलिस के कपड़े पहन के यहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में गड़बड़ी चल रही है, हमें म्यूजियम में देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं। जैसे ही गार्ड्स ने उन्हें अंदर प्रवेश दे दिया, उन गार्ड्स को पुलिस के भेष में आए उन चोरों ने हथकड़ियां पहना दी और उन्हें बांध दिया तथा वो आराम से 13 कीमती पेंटिंग्स चुरा ले गए। इस पेंटिंग्स की कुल कीमत होती थी करीब 3200 करोड़ रुपए। 28 साल पहले की गई इस चोरी को आज भी सुलझाया नहीं जा सका, इसीलिए इस चोरी को परफेक्ट और सबसे बड़ी चोरियों में शुमार किया जाता है। नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। अप्रैल 2003 में अमेरिकी सेना इराक के बगदाद शहर तक पहुंच गई थी। जब बगदाद में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में ये सेना पहुंची, तो पता चला कि इस बैंक को पहले से ही किसी ने लूट लिया है। इराक के उस वक्त के राष्ट्रपति जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, इनके दूसरे बेटे ने बस घंटे भर पहले यहाँ जमा सारा पैसा लूट लिया था। ये पैसा कहाँ ले जा रहे हैं और इसका क्या किया जाएगा, इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। बस एक छोटी सी नोट बैंक गवर्नर के हाथ में सौंपी गई थी और वो ये थी, ये पैसा हम विदेशी ताकतों के हाथ न लगे इसीलिए ले जा रहे हैं। ये लूट थी करीब 6500 करोड़ रुपए की, पर पैसों से भरे ये ट्रक आखिरकार